Well, in the first uh, big test for India blog, bipoles are being held at seven assembly seats across six states today. The seven assembly seats include uh, Gosi in Uttar Pradesh, uh, Dugguri in West Bengal, Dhanpur and uh, Boksanagar in Tripura, Puthupalli in Kerala and Bhageshwar in Uttarakhand and also Tumri in Jharkhand. Now, the by in uh, Dugguri, Putupali, Bhageshwar, Tumri and Boksanagar were uh, necessitated by deaths of sitting MLAs while MLAs in Gosi and Dhanpur had resigned from their posts. These elections are being seen as the first contest between the recently formed opposition bloc India and the BJP-led NDA. My colleague Ashutosh is joining us at this point in time to give us more details on this. Ashutosh, it is seen as a big, big test. For the India Alliance and now of the opposition leaders with these bipoles that are being held at seven assembly seats across six states today. Give us more details. निश्चित तौर पर एनडीए और आईएनडीआई आई का जो गठबंधन है उसके लिए ये जो लिट ये जो सभी जो सातों विधानसभा में चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट की तरह है और खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के घोसी में होने वाला विधानसभा उपचुनाव कहीं ना कहीं जो दोनों जो गठबंधन है उसके लिए एक अग्नि परीक्षा है और शायद यही कारण की एक तरफ समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर दाव लगाया है और इन दोनों उम्मीदवारों की जीत के लिए दोनों गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे अखिलेश यादव लगातार यहां पर कर रहे थे। वो की घड़ी पूरा पूरा है और सुबह का सुबह के आठ बजे का वक्त है और पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके से जो लोगों की लाइन है वो लगी हुई है और इस वक्त हम दादनपुर के एक प्राथमिक विद्यालय के पास विद्यालय में मौजूद है और यहाँ पर किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है आप इन तस्वीरों से समझ सकती हैं और सिर्फ ये यह तस्वीरें यहाँ पर नहीं बल्कि जहाँ भी हम घोसी में जा रहे हैं वहाँ पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं क्योंकि इस उपचुनाव को लेकर लोगों में खासी एक तरीके से दिलचस्पी देखने को मिल रही है दरअसल दारा सिंह चौहान यहीं से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछली बार उन्होंने जीत हासिल की थी लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और बीजेपी ने फिर से उनके ऊपर दाव खेला है तो इसकी वजह से जो लोगों की नाराजगी है वो थोड़ी देखने को मिल रही है लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से उनके ऊपर चुनाव थोपा गया है वो कहीं भी उचित नहीं है खासतौर से लोकतंत्र में क्योंकि जिस तरीके से दल बदल की जो प्रक्रिया है दल बदल करने वाले जो नेता है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ एक समाजवादी पार्टी के लिए भी एक अपनी जो मौजूदगी है पूर्वांचल में उसको जताने का सबसे बेहतर मौका है शायद यही कारण कि लोकसभा उपचुनाव के पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है और इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए दोनों ही गठबंधन के जो बड़े नेता है, पूरा जो लगा दिया है हमने पिछले दिनों देखा था की अखिलेश यादव ने यहाँ पे जनसभा की थी इसके अलावा शिवपाल यादव जो की उनके चचा है वो चाहे राम गोपाल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हो वो लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान को जो के लिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक एक दिन दिन चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले जनसभा की थी इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आप ये समझ सकते हैं कि न सिर्फ घोसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम है और इस चुनाव को जीतने के लिए जी दोनों ही गठबंधन ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है जी आशुतोष धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें इस वक्त देने के लिए दैट वाज माय कॉलीग आशुतोष जॉइनिंग अस फ्रॉम गोसियन शोइंग अस अराउंड ऑल द वोटिंग दैट इज गोइंग ऑन